जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ खास। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ही कह दिया था कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है वो मंडे यानी कि दोस्तों 20 जून 2022 के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि आप पूरे इंडिया में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं, आप बिल्कुल आंदोलन कर सकते हैं, भारतीय संविधान आपको ये हक देता है, लेकिन तोड़फोड़ या फिर हिंसात्मक तरीके से आपको आंदोलन करने की अनुमति जो है वो कोई भी नहीं देता, ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं दोस्तों कि कल जो है वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं। और एक चीज मुझे और बता देना, इसमें जो धरना प्रदर्शन या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो वो हैं जो कि केवल रिटन एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, जिनका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो गया था, केवल रिटन एग्जाम रह गया था, वो उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारा रिटन एग्जाम कराओ। तो अगर आपका रिटन एग्जाम करा दिया जाता है तो क्या आप इस आंदोलन को बंद कर देंगे? और एक तरीके के बच्चे वो हैं जो अभी तक भर्ती नहीं देखी है और उनके लिए इस अग्निवीर स्कीम से ही जो है वो अग्निपथ स्कीम से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से या फिर भारतीय जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका रिटन एग्जाम के लिए हाँ भर दी जाती है कि भाई ठीक है हम आपका रिटन एग्जाम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद में जो भर्तियां होंगी वो एज अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगे, तो क्या आप इस आंदोलन को बंद कर देंगे? मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इस आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, मैं केवल आंदोलन करने के लिए बोल रहा हूं शांतिपूर्वक तरीके से। आपसे ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप ट्रेनों को आग लगाइए, बसों को आग लगाइए, तोड़फोड़ कीजिए, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। क्योंकि ये देश का फौजी है, वो देश की रक्षा के लिए होता है, ना कि तोड़फोड़ करने के लिए, ठीक है। तो आप अपना जो है वो हक रखिए, सरकार तक पहुंचेगा और अगर सरकार को अच्छा लगेगा तो इस स्कीम में जो है वो बदलाव भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी कमेंट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल से जो है वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली अग्निवीरों की जो वैकेंसीज हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन अप्लाई करता है, कितनी भारी संख्या में अप्लाई होता है और ये भर्ती जो है वो कब से स्टार्ट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।